स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के बारे में जानने जा रहे हैं, जहाँ पे अपन जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें जितनी भी स्टेप्स आते हैं, कहाँ कहाँ पे एनर्जी का और एटीपी का प्रोडक्शन होता है, उन सभी को अपन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में अपन आगे एफिशिएंसी के बारे में भी जानेंगे कि एनएरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी क्या होती है। साथ में इस वीडियो में अपन जानेंगे कि बैलेंस शीट को कैलकुलेट करने के लिए जो अजम्पशंस लिए गए हैं उन सब के बारे में भी अपन जानेंगे। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले अगर अपन अजम्पशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे चार अजम्पशन लिए गए हैं। यहाँ पे चार चीज़ों को अज्यूम किया गया है। सबसे पहला जो वो आता है वो होता है कि जितने भी जो रिएक्शंस है, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल, इनका एक ऑर्डर होता है। तो वन बाय वन इनको ऑर्डर में लिया गया है, सीक्वेंस में लिया गया है, किसी को भी इंटरचेंज या फिर कोई एक्सटर्नल यहाँ पे ऑर्डर नहीं लिया गया। तो सीक्वेंस में ऑर्डरली यहाँ पे लिया गया है। पहला अजम्पशन ये है कैलकुलेट करने के लिए। सेकंड यहाँ पे अजम्पशन आता है कि जो NADH आता है, NADH ग्लाइकोलाइसिस में जो प्रोडक्शन होता है, अपन जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्शन साइटोप्लाज्म में होता है, इसलिए जो NADH ग्लाइकोलाइसिस में जो प्रोड्यूस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है और उसके बाद फॉस्फोराइलेशन करती है। तो अपन जानते हैं कि जो TCA साइकिल होती है और उससे पहले जो रिएक्शन होती है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है ऑलरेडी, तो उसको तो मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH का प्रोडक्शन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, इसलिए वो पहले वहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और फिर उसका फॉस्फोराइलेशन होता है। यहाँ पे तीसरा अजम्पशन लिया गया है कि जो पाथवे है उसमें कोई भी इंटरमीडिएट बीच में सिंथेसाइज या फिर यूटिलाइज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि पाइरूविक एसिड बना, फिर पाइरूविक एसिड से कोएंजाइम ए बना और उससे फिर जाके CO2 का रिमूवल होता है, तो ये जो जितने भी इंटरमीडिएट है इन इंटरमीडिएट से कोई दूसरा प्रोडक्ट सिंथेसाइज नहीं हो रहा, ये सारे ऑर्डरली में अपने नेक्स्ट इंटरचेंज हो जा रहे हैं। इसका मतलब है ये किसी और रिएक्शन में आगे नहीं जा रहे। फोर्थ जो अजम्पशन लिया गया है कि जो एक ग्लूकोज होता है वो ही रेस्पायर हो रहा है, नो अदर अल्टरनेट सब्सटिट्यूट आर एंटरिंग इन द पाथवे एट एनी ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज। इसका मतलब ये है कि जो ग्लूकोज हो रहा है उससे वही सिंथेसाइज या फिर उसी का रेस्पिरेशन हो रहा है, कोई अदर मॉलिक्यूल जैसे कि फैट, प्रोटीन, ये रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर नहीं कर रहे हैं जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपली एक ग्लूकोज का रेस्पिरेशन हो रहा है, कोई इंटरमीडिएट चेंज नहीं होगा, सब ऑर्डरली होंगे, और साथ में जो NADH होती है जो साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस हो रही है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके फॉस्फोराइलेशन करेगी। तो ये चार अजम्पशंस को यहाँ पे लिया गया है। फिर अगर अपन स्टेजेस की बात करते हैं कि कौन सी स्टेजेस में कितनी ATP का प्रोडक्शन हुआ है, इन सबको कैसे कैलकुलेट करें, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस में अगर अपन बात करते हैं डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट जो ATP बन रही है, डायरेक्ट यहाँ पे जो डायरेक्ट ATP का प्रोडक्शन होता है वो होता है डायरेक्ट 2 ATP। और अपन NADH की बात करते हैं तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल बनते हैं NADH के, NADH2 के, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल बनते हैं NADH2 के। और जैसा कि अपन जानते हैं एक NADH2 से 3 ATP बनती है, तो यहाँ पे जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो दो मॉलिक्यूल है NADH के, तो यहाँ पे कितनी ATP बनी, 6 ATP। तो ये तो हो गया ग्लाइकोलाइसिस तक कि कितनी ATP यहाँ पे सिंथेसाइज होती है। फिर अपन बात करते हैं पाइरूविक एसिड 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो पाइरूविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए जो फॉर्मेशन होता है वहाँ पर भी एक NADH2 का प्रोडक्शन होता है, तो दो पाइरूविक एसिड बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। तो और अपन एक ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो दो पाइरूविक एसिड से दो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे, तो दो मॉलिक्यूल NADH2 के बनेंगे। और अगर दो मॉलिक्यूल NADH2 के है तो वापस वही 6 ATP का प्रोडक्शन होगा। और इसके बाद आता है सिट्रिक
साइकिल। तो अपन जानते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल एक सर्कुलर साइकिल होती है जहाँ पे 6 NADH 6 NADH टू यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पे दो सिट्रिक साइकिल की अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई टू कर देता हूँ, दो सिट्रिक एसिड साइकिल है, एक सिट्रिक एसिड साइकिल में 3 NADH बनते हैं इसलिए यहाँ पे 6 NADH की बात की गई है। साथ में 2 FADH2 FADH2, तो अपन जानते हैं 1 FADH2 बनता है सिट्रिक एसिड साइकिल में इसलिए यहाँ पे 2 अपन ने लिया है। और साथ में डायरेक्ट अगर अपन बात करते हैं डायरेक्ट कितनी ATP बनती है, तो डायरेक्ट तो यहाँ पे 6 6 3 जा कितना होता है 18 ATP। और अपन जानते हैं 1 FADH2 से 2 ATP बनती है तो इसलिए 2 है तो यहाँ पे 4 ATP। और अपन जानते हैं डायरेक्ट जो ATP मतलब सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो होता है उसकी मदद से यहाँ पे 2 ATP का फॉर्मेशन होता है ATP। तो यहाँ पे जो टोटल आता है टोटल टोटल कितनी ATP का यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है 2 6 12 14 और 14 और 18 कितना होगा 32 36 एंड 38। तो यहाँ पे 38 ATP का प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि ग्लाइकोलाइसिस के जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहाँ पे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 ATP का प्रोडक्शन होता है। और वहीं पे एनएरोबिक की बात करते हैं तो ये तो एरोबिक की बात है, और एनएरोबिक की बात करते हैं अपन तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ATP का प्रोडक्शन होता है नेट गेन जो होता है, और यहाँ पे 38 का होता है। अब यहीं पे अगर अपन एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी निकालने के लिए अपन को ये देखना होगा कि ग्लूकोज का अगर अपन कंबशन कराते हैं एयर की प्रेजेंस में तो वहाँ पे वो कितनी एनर्जी देता है और ये 38 ATP में कितनी एनर्जी होती है। अब यहाँ पे नेट बात ये आती है NCERT में लाइन दी गई है कि ग्लाइकोलाइसिस मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 to 38 ATP का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और 36 to 38 और इसी के अकॉर्डिंग अपन को एफिशिएंसी भी निकालनी पड़ेगी। तो यूजुअली 36 ATP को लिया जाता है, कैलकुलेशन में अपनी 38 आ रही है। और ये जो 36 आ रही है इसका रीज़न क्या है, कैलकुलेशन में 38 आ रही है लेकिन ये 36 क्यों आ रही है, इसका रीज़न आता है शटल सिस्टम। अपन जानते हैं जो NADH2 ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, तो उसको साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र करने के जो सिस्टम होता है उसको अपन बोलते हैं शटल्स, और उसी में ये एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। तो 36 to 38 हो सकता है। अब अपन एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी में अपन जानते हैं 1 ATP का जो 8 ATP जो होती है वो 34 kJ/mol एनर्जी देती है, मतलब अगर 1 मोल ATP है उसमें 34 kJ एनर्जी वो देगा। और वहीं पे अगर अपन बात करते हैं ग्लूकोज कंबशन की तो कंबशन के टाइम पे जो वो एनर्जी देता है वो देता है 2870 की। और वहीं पे अगर अपन 36 ATP की बात करते हैं तो ये जो टोटल एनर्जी देते हैं वो आता है 1292। तो यहाँ पे 36 की जगह 38 ही लेते हैं अपन, अपन का मैक्सिमम लेके चलते हैं ना, तो 38 लिया अपन ने तो 38 की ये एनर्जी आती है। और वहीं पे अगर अपन एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी अपन को निकालने के लिए क्या करना है, 1292 को डिवाइड करना है 2870 से और मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी निकल के आती है वो आती है 45%। इसका मतलब ये है एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर ग्लूकोज का रेस्पिरेशन हो रहा है तो वहाँ पे एफिशिएंसी 45% आती है। और वहीं पे अगर अपन एनएरोबिक की बात करते हैं तो यहाँ पे एनएरोबिक एनएरोबिक में जो एफिशिएंसी होती है वो होती है लेस देन 7%। तो यहाँ पे सिंपली अपन ने सारे अजप्शन जान लिए हैं, ग्लाइकोलाइसिस के सभी स्टेजेस में कौन सी ATP प्रोड्यूस हो रही है वो अपन ने जान लिया है,
और एफिशिएंसी के बारे में भी जान लिया है कि एफिशिएंसी यहाँ पे 45% होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ये लेस देन 7% होती है। तो ये भी नीट के एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। और ये जो शटल सिस्टम है ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ पे दो टाइप के शटल सिस्टम होते हैं। ये आपको मैं एक्सटर्नल पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर पूछे भी जाए तो आपको याद हो। तो दो टाइप के शटल सिस्टम होते हैं, पहले का नाम है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल, जो यहाँ पे नाम आ रहा होगा, और साथ में सेकंड का नाम है मैलेट एस्पार्टेट शटल। तो ये दो टाइप के शटल भी होते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो को यहाँ तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।